गोरखपुर महोत्सव में समर मेले का आयोजन किया गया है जो 7 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि इस समर मेले में गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के हस्तकला प्रेमी अपनी कलाओं का प्रदर्शन स्टॉल के माध्यम से कर रहे हैं। सांस्कृतिक मंच 3 दिनों के लिए सजा था जिसमें बाहरी कलाकारों ने अपने सुरों से जहाँ समा बांधा, वहीं प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने जलवा बिखेरा जिसका समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। वहीं शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने किया था। साथ ही साथ महोत्सव समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच पर सम्मानित किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। ये सब करने के बाद मुख्यमंत्री समर मेले का निरीक्षण किया और पुनः मुख्य मंच पर रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का अवलोकन किया। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। अरे कुछ देखा, हम लोग को भी बन रही है, अपने बनाइए चश्मा का खुल जाएगा भैया। अरे यार ये दुकान सबसे ज्यादा चल रही है महाराज, ये दुकान में ज्यादा बिक रही है। इसी दुकान से खा वो, ये भी यहाँ से खड़ा है कि पहले से ये सब पेड़ न्यूज है। महाराज जी थोड़ा महाराज हो जाओ, हमें यहाँ सकल गुण निदानम वानरा नाम धीशम रघुप्रिय रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए सुंदर कांड की ये सुंदर प्रस्तुति विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के लिए। सुंदर कांड की प्रस्तुति की खास बात, विशेष बात यह है कि सुश्री सुरभि सिंह जी पहली ऐसी महिला कलाकार हैं, महिला कथा कलाकार हैं जिन्होंने स्वयं हनुमान जी का किरदार इस मंच पर, हमेशा बड़े मंच पर निभाया है और आज Oh,
Oh,